छठ पर्व पई गांठु सहर सबुटी उत्सव परिवेश एति पई इस्पात सहर राउरकेला रे प्रस्तुति जोरदार चली खास करी बिहारी संप्रदायर महिला माने ए पर्व पालन करथांती निजर परिवार मंगल कामना करी ए पर्व पालन करथांती महिला माने तबे राउरकेला रे चली छि पूजा सब किभली चली पूजा से संपर्क में अधिक सूचना पाई जी राउरकेला सेठे अच्छे प्रतिनिधि पवन तिवारी पवन किभली चली पूजा परिवेश बिहारी संप्रदायर महिला मैंने पर सुख समृद्धि पाई ये पूजा करें बर्तमान स्थिति कौन रही परिवेश किभ रही निहत पक्ष उत्सवमुखर हो राउरकेला छठ पर्व पई गांठू सहर सबुटी उत्सव परिवेश एथिपाई इस्पात सहर राउरकेला रे प्रस्तुति जोरदार खास करी बिहारी संप्रदायर महिला माने ए पर्व पालन करथांती निजर परिवार मंगल कामना करी ए पर्व पालन करथांती महिला माने तबे राउरकेला रे चालीछि पूजा संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई छठ पर्व पई गांठू सहर सबुटी उत्सव परिवेश एथिपाई इस्पात सहर राउरकेला रे प्रस्तुति जोरदार चली खास करी बिहार संप्रदायर महिला माने पर्व पालन करथांती तबे संपर्क में अधिक सूचना देवाई किभली रही राउरकेला रे पूजा परिवेश छठ परिवेश संपर्क में अधिक सूचना पाई सीधासल जाओ प्रतिनिधि पवन तिवारी पवन तिवारी पाखक पवन किभली रही पूजा परिवेश प्रिय रंजन एठा सूचना देवाई चाहिए एवं सर्वप्रथमे आपण को जो मैंने ओटी देखुं मो तरफ छठ पूजा छठ पूजा पई बहुत बहुत शुभेच्छा तेज आम सहित जो मैंने अच्छा छठ पूजा जो मैंने करछन जो मैंने व्रत कर छठ पूजा जो रही था छठ पूजा को बिहारी एवं उत्तर प्रदेश जो संप्रदाय लोक मैंने रही थी से ओडिशा हूँ विश्व सारा जो जो भी बिहारी और उत्तर प्रदेश संप्रदाय लोक जो मैंने रही सेठारे छठ पूजा को पालन करे सीधा सड़क जी आम सहित जो मैंने छठ पूजा करते पचार मैडम क्या कहना चाहिए क्या छठ पूजा किए आप ये बहुत निष्ठा के साथ किया जाता है ये मान्यता है करने से क्या फायदा होता है फायदा तो नहीं देखते आस्था का पर्व है आस्था के लिए करते हैं और सौहार्द का पर्व है सभी मिलजुल के करते हैं जिनसे नहीं भी परिचय होता यहाँ आके वो भी मिल जाते हैं सब अपने हो जाते हैं और बस ये आस्था और विश्वास का पर्व है हमारा विश्वास है हम करते हैं जी सर आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि ये पर्व विश्व में हर जगह होता है जहाँ भी हमारे बिहारी भाई लोग रहते हैं या उत्तर प्रदेश के जो भाई रहते हैं उत्तर भारत में ये पूजा किया जाता है जहाँ भी रहते हैं वो ये पूजा को धूमधाम से करते हैं निष्ठा के साथ करते हैं एक महीना पहले से इसका तैयारी होता है हम सभी जानते हैं कि ये सन जो है सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और ये सन से ही पूरी सृष्टि चलती है और सन अगर एक दिन न रहे तो हमारे जीवन में भूचाल आ सकता है इसलिए हम ये एक लोक आस्था का पर्व है और ये हम लोग इसको सूर्य डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को जिसको उदीयमान सूर्य बोलते हैं और अस्तगामी सूर्य बोलते हैं उनको हम लोग जो है श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ पूजा पाठ करते हैं उनको अर्घ देते हैं और इस तरह से ये हम लोग चाहते हैं कि ये सारा लोक का कल्याण हो सबको कल्याण हो व्रती का भी कल्याण हो उसके साथ जितने लोग शरीक हो रहे हैं इस पूजा में सबका कल्याण हो निश्चित रूप से आप क्या कहना चाहिए आप भी आए हैं शरीक हुए हैं इस पूजा में ये हमारे बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस एक तरह से पर्व है और हम बिहार वासियों यूपी वासियों की बहुत ही आस्था है इसमें और ऐसी मान्यता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं उससे पूरी होती हैं और ये निष्ठा के साथ साथ श्रद्धा के साथ साथ स्वच्छता का भी ये पर्व है इसमें हम आस्था और सबसे बड़ी बात है कि ये सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के प्रति हम अपनी निष्ठा और श्रद्धा प्रकट करते हैं आस्था विश्वास पर्व हूँ छठ पर्व महिला मैंने प्रतिज्ञा रखुले बेस खुशी धूमधाम चली छठ पूजा।